व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए क्या बात बोली गई यहाँ पर। घुटन क्या होती है ये पूछिए उस बच्चे से जो काम करता है रोटी के लिए एक खिलौने की दुकान पर। नॉर्मली हर एक बच्चे का ये सपना होता है कि उसके पास में बहुत सारे खिलौने रहे और वो उसको एंजॉय कर सके। पर लेकिन अगर अपना पेट भरने के लिए उसी खिलौने की दुकान पर एक बच्चा कोई काम करे और उन खिलौने से खेल ना पाए तो कैसा लगेगा, ये आप लोग तभी समझ पाएंगे अगर आप लोगों के पास में कभी रिसोर्सेज की कमी रही हो तो। देखिए आप लोगों को जो भी आप लोगों के पेरेंट्स ने जो भी सामान आप लोगों को आज के दिन में दे रखा है ना, स्टडी रूम है, टेबल है, चेयर है, सब कुछ खाने पीने का सामान है, अच्छे से आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, तो उनको ग्रांटेड मत लीजिए, उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वो सब कराया है। क्योंकि देखिए जब भी चीजों की अहमियत समझ में आती है जब हमारे पास में वो नहीं होती है, पर लेकिन जब होती है तो हम उनको ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो कभी भी इन चीजों को ग्रांटेड मत लीजिए क्योंकि किसी की मेहनत की गई है किसी के द्वारा, तभी आप लोग इन सब चीजों को इंजॉय कर पा रहे हैं। और बहुत से लोगों को ये चीजें नसीब में भी नहीं है, बहुत से लोग इन सब चीजों को लिए त्रस्ते रहते हैं। तो इसलिए अपने आप को हमेशा एक कंफर्टेबल जोन में रखते हैं आप लोग। अगर तो आप लोगों को कंफर्टेबल फील कराया गया है आप लोगों के पेरेंट्स के द्वारा, तो आप लोगों को उनका रिजल्ट भी उनको देकर उनका रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाना है कि हाँ कि आप लोगों ने ये रिसोर्सेज वेस्ट नहीं किए, इन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है। आज है 13 अगस्त, आज देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। आज आप लोगों का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है यह पेलमबंग, जाकर इसको मैप में निहारेगा क्योंकि कई बार इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं और ये न्यूज में भी है। क्यों न्यूज में है ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग कार्टून है, आप लोगों को पहचानना है ये कौन है यहाँ पर वैसे पहचान ही गए होंगे और ये कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बात चल रही है, देखिए अलग अलग तरीके से 2019 में जो इलेक्शन आने वाले हैं अलग अलग तरीके से अपने अपने जो जोड़ीदार है उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है पार्टीज के द्वारा। तो बताइएगा कौन है दोनों, वैसे आप लोगों ने पहचान लिया होगा, नहीं पहचाना होगा तो देखिए गलत बात है, कम से कम पहचानना चाहिए आप लोगों को ऐसी पर्सनैलिटी को। तो देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करना है। मेरी प्रोफाइल है वीर तालियान के नाम से फेसबुक पर, यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ भी कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं, एंजॉय किया कीजिए खुद भी और चीजों को शेयर कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए। फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर है, यह है BCCI के बारे में, देखेंगे क्या लोधा कमेटी की रिकमेंडेशन थी और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या चेंज किए गए हैं, और वो चेंज जो किए गए हैं वो यहाँ तक कि लोधा जी को भी पसंद नहीं आ रहे हैं। बोला जा रहा है कि देखिए एक तरीके से डाइल्यूट कर दिए गए हैं जो रिकमेंडेशन दी थी और ये सही बात नहीं है। तो डिटेल में आर्टिकल को डिस्कस करने वाला हूँ। नीचे वाला आर्टिकल ये वाला, यहाँ पर जो आर्टिकल है एक तो ये वाला और दूसरा आप लोगों को ये वाला आर्टिकल, ये वाला नई पाउल के बारे में, जिनका ये इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक ऑथर थे जिनकी अभी डेथ हुई है 11 अगस्त को, तो काफी फेमस, एक नोबेल, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है और इसके अलावा मोयन बुकर प्राइज भी मिल चुका है, तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे। तो डिटेल में इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल भी काफी शानदार है। यहाँ पर आज की डेट में जो कंट्री में जो भिखारी हैं जो कोई भीख मांग रहे हैं तो उनके बारे में डिस्कस किया गया है, तो अच्छे से आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, कंपेयर किया गया थोड़ा हिस्ट्री के साथ में भी, ओके। नीचे वाला आर्टिकल है यहाँ पर फिर से सबरीमाला टेम्पल के बारे में आया जो कि केरला में आप लोगों को देखने को मिलता है। वहां पर जो वुमेन की एंट्री बंद कर रखी थी, अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उससे रिलेटेड केस भी था, तो देखिए फंडामेंटल राइट का हनन भी इसको बताया गया था, तो उन्हीं सब चीजों को फिर से डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो वुमेन की एंट्री थी वो यहाँ पर बैन कर रखी थी कई सारे रीजन की वजह से, जो कि बेसलेस आप लोग एक बार बोल सकते हैं उनको, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसीजर है जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह की हरकतें यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर कई सारे केसेज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आर्टिकल में कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। ये वाला आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी आसाम में एक रजिस्टर निकल कर आया नेशनल रजिस्टर जिसको बोला जा रहा है सिटीजन के लिए, उसको यहाँ पर कंपेयर किया गया है। बोला जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर आज के डेट में उसमें काउंट नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वही काउंट नहीं हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के डेट में जो उनके जैसे हैं हमारी कंट्री में, ओके। मंडे को ये आर्टिकल आते हैं यहाँ पर, जो भी एडिटर को लेटर लिखता है उसके बारे में बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये वाला आर्टिकल नीचे बराक ओबामा जी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बराक ओबामा जी के बारे में बात बताई जा रही है। एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो नोबेल प्राइज उनको किस फील्ड में मिला था, ठीक है, और उनको नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला था और इसके अलावा कब मिला था, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बता सकते हैं, हमारी कंट्री में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए चीफ गेस्ट रहे हैं ये हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे की परेड में, आप लोगों को ये बताना है कि कौन से ईयर में चीफ गेस्ट रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर लोधा कमेटी की रिकमेंडेशन के बारे में है, क्रिकेट में BCCI में रिफॉर्म करने के लिए लोधा कमेटी को यहाँ पर बनाया गया था ताकि उसमें रिकमेंडेशन दी जा सके कैसे हम लोग यहाँ पर BCCI को संभाल सकते हैं, उसको एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर इसके अंदर में पाई गई थी। और रीजन क्या था, हमारी कंट्री में जो ये बॉडी है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे
अमीर बॉडी है अगर यहां पर आप लोग क्रिकेट के फील्ड में इसको देखेंगे तो। तो यहां पर ये हैं लोधा जी, जिनके द्वारा कई सारी रिकमेंडेशन दी गई। पहले इनकी रिकमेंडेशन थी कि एक स्टेट के पास में एक ही वोट होने चाहिए यहां पर, लेकिन इनकी ये भी रिकमेंडेशन यहां पर मानी नहीं गई, अब इसको यहां पर हटा दिया। जो अलग अलग स्टेट की मल्टीपल एसोसिएशन होती है, होता क्या है निर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उनके पास में तीन तीन वोट है, तो इन्होंने बोला एक स्टेट के पास में एक ही वोट दो, क्योंकि हर एक स्टेट से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। एज लिमिट जो होनी चाहिए यहां पर जो ऑफिसर्स रहते हैं वहां पर 70 साल होनी चाहिए। बूढ़े बूढ़े पड़े रहते हैं यहां पर, पता नहीं कितनी कितनी एज हो जाती है वहां पर, ऐसा लगता है कि इसी कुर्सी पर बैठने के लिए वो पैदा हुए हैं। तो यहां पर देखिए गलत बात है, ठीक है, भाई भतीजा बाद उसमें चलने लगता है, आगे चल के उसको साइड में कीजिए। कोई भी मिनिस्टर यहां पर और या कोई भी सिविल सर्वेंट यहां पर बीसीसीआई के यहां पर इसमें नहीं आना चाहिए। देखिए क्या होता है अगर यहां से कोई ऑलरेडी यहां पर मिनिस्टर वगैरह या कोई इस तरीके से सिविल सर्वेंट यहां पर आता है, तो देखिए कहीं ना कहीं वो अपनी एक साख बना लेता है, पहले से वो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, तो यहां पर फिर से वही एक तरीके से आप लोग बोलेंगे नेपोटिज्म चलेगा यहां पर, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, तो उन सब चीजों को साइड में किया गया। नेक्स्ट यहां पर कुछ बातें छोड़ दी गई पार्लियामेंट के ऊपर कि आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। इन्होंने बोला कि आप लोग की बैटिंग अलाउ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया। बैटिंग मतलब सट्टा लगाना, जो खेल में सट्टा लगाया जाता है। देखिए इसके बारे में आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, जब सट्टा लगाने की बात करते हैं गेम में तो एक बात सामने आती है निकलकर, आज तक हमारी कंट्री में बहुत लार्ज स्केल पर सट्टा लगाया जाता है और ये सारा अंडरग्राउंड होता है और बहुत लार्ज स्केल पर यहां पर पैसा इधर उधर होता है, पर लेकिन क्या होता है यहां पर इसको चैनलाइज नहीं किया जाता है। तो जो यहां पर लोधा कमेटी ने ये बोला था कि बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पर सट्टे के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, आप लोग इसको चैनलाइज कीजिए, सब कुछ यहां पर व्हाइट फॉर्म में होना चाहिए, ब्लैक मनी की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, और ताकि आप लोग टैक्स भी इसके ऊपर लगा सके, एक ह्यूज मनी आप लोग यहां से जनरेट कर सकते हैं और उस मनी को फिर सोशल सोसाइटी के जो हमारी सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीम, एजुकेशन से रिलेटेड, इरिगेशन या फिर अलग अलग स्कीम आप लोग यहां पर लेकर आ सकते हैं उस पैसे से। तो ये बात बोली जाती है। तो एक तो बोलते हैं लोग इसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ आप लोगों को जो बैटिंग है जो सट्टा है उसको अलाउ कर देना चाहिए, दूसरी तरफ लोग ये भी बोलते हैं कि इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। उसका क्या रीजन है? उसका ये रीजन बोलते हैं कि मान लीजिए आप लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आप लोग क्रिमिनल एक्टिविटी को नहीं रोक पा रहे हैं तो आप लोग उसको अलाउ कर देंगे क्या? आप लोग रेप के केस नहीं बोल पा रहे, रोक पा रहे हैं तो आप लोग उसको अलाउ कर देंगे क्या? तो देखिए कई सारे पहलू यहां पर होते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक जो है काफी डिबेटेबल टॉपिक माना जाता है। आप लोग यहां पर अपना व्यू बोल सकते हैं यहां पर कि हम लोगों को इसको अलाउ करना चाहिए या नहीं अलाउ करना चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएगा। इसके ऊपर ऐसे भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, इस तरह के टॉपिक कई बार आते हैं। और हाँ ऐसे एक बात याद आई मुझे, देखिए कल आप लोगों का इकोनॉमिक का जो लेक्चर था वो मैं नहीं ले पाया था, ठीक है ना, क्योंकि कल असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर हुआ था और असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर में आप लोगों का जो एनालिसिस था वो यहां पर किया गया। शाम को जो वीडियो आई, यूपीएससी का पेपर होता है ये, जिसके तहत असिस्टेंट कमांडेंट बनाए जाते हैं, तो यहां पर आप लोगों का डिस्कशन जो करा उसकी वजह से यहां पर टाइम नहीं मिल पाया। आज शाम को आप लोगों 7:30 बजे के करीब आप लोगों को लेक्चर मिलेगा इकोनॉमी का, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हमारी सीरीज चल रही है 11th की एनसीईआरटी, हम लोग यहां पर फिनिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का 7th चैप्टर जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा आज शाम को। और बाकी जब मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर एक कंफ्यूजन रह गया था 2-3 क्वेश्चन में, यहाँ पर कई सारे कमेंट भी आए थे। देखिए एक तो था यहाँ पर सिक्किम को जो बोला गया, यहाँ पर एसोसिएट स्टेट पूछा गया ना कि कंप्लीट स्टेट पूछा गया है। एसोसिएट स्टेट का दर्जा यहाँ पर आर्टिकल यहाँ पर अमेंडमेंट 35 से दिया गया था, ठीक है, 1974 में, और यहाँ पर ये जो है 36 है अमेंडमेंट, यहाँ से ये कंप्लीट स्टेट बनाया गया था इसको। दूसरा यहां पर बोला गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो यहां पर इसका आंसर आप लोगों को नजर आएगा ये यहां पर फंडामेंटल ड्यूटी है ना कि डायरेक्टिव स्टेट ऑफ जो है ना कि यहां पर डीपीएसपी, ठीक है, और बाकी यहां पर ये क्या है सॉरी ये आप लोगों को डीपीएसपी नजर आएगी आर्टिकल 50 में। तो ये क्वेश्चन थे जिनमें कंफ्यूजन था आप लोगों को, तो ये यहां पर क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर, एक वीडियो को इसको देखिएगा आप लोग जाकर, आप लोगों को ऐसा कहीं नजर ही नहीं आएगा कि मतलब बहुत टफ पेपर आ रखा है सारा पेपर यहां पर। अगर देखिए यहां पर आप लोग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को साइड में लगा दीजिए, अगर आप लोग एप्टीट्यूड अच्छे से कवर कर रहे हैं तो ओनली द हिंदू पीआईबी और जो क्वेश्चन की जो वीडियो आती है डेली आप लोगों को शाम की, तीन वीडियो अगर आप लोग कवर करके चल रहे हैं तो इस पेपर को आप लोग निकाल के ले जाएंगे। नहीं यकीन आ रहा है तो आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन लगभग वहां पर डिस्कस किए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर वीडियो से मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं देखिए आप लोगों की जो कहीं कमी रही होगी तो वो रहेगी आप लोगों की रिवीजन की। पॉलिटिक्स सारी आप लोग वहां पर कवर की जा चुकी है, पॉलिटिक्स से एक एक क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप लोग प्रॉपर वे में पॉलिटिकल लेक्चर को फॉलो करके चलेंगे। मैंने वीडियो में से दिखाया कहां कहां से लेक्चर आया, सारे तो दिखा नहीं पाया, देखिए बहुत लंबा टाइम लग जाता, इस तरीके से चीजें पॉसिबल नहीं है कि अकेला मैं इतना काम कर पाऊं कि लेक्चर भी देखूं कहां कहां से कौन कौन सा हुआ है। हाँ मैंने कुछ एग्जांपल देने की कोशिश किया जहां मुझे एग्जैक्ट याद था, तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और शाम को आप लोगों की इकोनॉमी की वीडियो आएगी, ओके। और हाँ इससे फायदा ये भी होगा आप लोगों जो भी नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, और या फिर आप लोग एसएससी या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर भी काफी फायदा पहुंचाने वाले होते हैं।
चलिए आते हैं बैक अपने आर्टिकल पर। तो यहाँ पर ये जो बात की गई है, तो ये लोधा कमेटी ने कई सारी रिकमेंडेशन दी थी, और भी आप लोग यहाँ पर डिटेल में रिकमेंडेशन देख सकते हैं। बोला गया था कि जो बीसीसीआई यहाँ पर आज के में है उसको क्या आना चाहिए, आरटीआई के अंडर में आना चाहिए, ठीक है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 वाला जो एक्ट है उसके अंडर में आना चाहिए। यहाँ पर ये छोड़ा गया पार्लियामेंट के ऊपर। नेक्स्ट बोला गया सेपरेट कर देना चाहिए आप लोगों जो बीसीसीआई है और आईपीएल की जो गवर्निंग बॉडी है, मतलब दोनों एक ही जगह नहीं होना चाहिए, ये बोला गया, क्योंकि दोनों में घपला बहुत ज्यादा होता है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है। आप लोग देखते हैं यहाँ पर प्लेयर को खरीदा जाता है अलग अलग तरीके से बोली लगाकर, तो इसको दोनों को सेपरेट करना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया था कि जो एक तो गवर्नेंस होता है, ठीक है, और एक होता है मैनेजमेंट, दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए ताकि यहाँ पर दोनों में सेपरेशन रहे और यहाँ पर अलग अलग काम ढंग से कर सके। एक ही के अंदर यहाँ पर दोनों चीजें रहती तो वहां पर भी मिसमैनेजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलेगी। प्लेयर की भी एक एसोसिएशन यहां पर होनी चाहिए जिसमें प्लेयर की भी वॉइस को सुनो, यानी कि प्लेयर भी अपना अगर सजेशन रखे तो उनके सजेशन को माना जाए, उनको सप्रेस ना किया जाए, एक ये बात बोली गई। नेक्स्ट यहां पर बोला गया कि देखिए हर एक स्टेट के पास में आप लोग यहां पर फुल मेंबरशिप होनी चाहिए, मतलब एक स्टेट के पास में एक मेंबरशिप होनी चाहिए, ये नहीं कि एक स्टेट के पास में दो दो तीन तीन मेंबरशिप है। नेक्स्ट यहां पर ये बोला गया था जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, बैटिंग यानी कि सट्टे को लीगलाइज कर दीजिए, ठीक है, इसके अलावा कोई भी मिनिस्टर यहां पर नहीं होना चाहिए। यहां पर जो आप लोगों को नेक्स्ट जो बात बोली गई, जो गवर्निंग काउंसिल है आईपीएल की जो टीम के, उसमें कम से कम यहां पर आप उसमें टू नॉमिनी होनी चाहिए, यानी कि आईपीएल को भी यहां पर एक तरीके से उनकी भी आवाज कोई सुनने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट जो बोला गया यहाँ पर प्रॉपर वे में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्लेयर की सेफगार्ड के बारे में, या फिर अगर कोई भी एंटीक्रप्शन जो चीज होती है वहां पर एक एंटीक्रप्शन यूनिट होनी चाहिए उन सब चीजों पर देख रेख करने के लिए, ठीक है। एवरी स्टेट के पास में यहाँ पर फुल टाइम मेंबरशिप यहाँ पर होनी चाहिए, एक स्टेट एक वोट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाने की बात की गई, और इसके अलावा इसका ऑडिट जो करना चाहिए वो कैक के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है ना। कैक के बारे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, कैक के बारे में बताइएगा थोड़ा, संविधान में यहाँ पर कहाँ पर रखा गया है, हल्का सा जाकर इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए बीच बीच में मेरा फोकस यही रहता है कि आप लोगों का रिवीजन भी कराता रहूं, क्योंकि रिवीजन अगर जैसे मैंने कैक का बता दिया तो जिसको पता है सही है आंसर दे दीजिएगा, नहीं पता है तो आप लोग जाकर लेक्चर देख लीजिएगा, इसके अलावा अपना रिवीजन कर लीजिएगा, बुक उठाकर एक बार देख लीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग लेक्चर को प्रॉपर वे में फॉलो करके चलेंगे ना, तो करंट अफेयर तो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में आप लोग का स्टैटिक पोर्शन भी साथ में कवर करा के चल रहा हूँ जहां तक मेरे से पॉसिबल हो पा रहा है। तो लेक्चर को आप लोग रिलीजियसली फॉलो किया कीजिए, अगर किसी दिन छूट जाता है तो अगले दिन देख लिया कीजिए, कंटिन्यूटी में जरूर रहिए, क्योंकि यही है एक सिलेक्शन की जो की है वो ये है आप लोग कितना चीजों को कंटिन्यूस कर पाते हैं, और ये आप लोगों को कल का पेपर देख के पता भी चल गया होगा, सारी चीजें पढ़ी हुई थी पर लेकिन क्वेश्चन अडैप्ट नहीं कर पा रहे थे, ऐसे कमेंट किए गए बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो देखिए ये मत कीजिए, जो चीजें आप लोगों के हाथ में कम से कम वो तो कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अब आर्टिकल पर आते हैं, आर्टिकल में क्या बोला गया है, अभी जो हमने रिकमेंडेशन की देखिए यहां पर, ये जस्टिस लोधा की रिकमेंडेशन थी जिसने बोला था कि हम लोग बीसीसीआई में रिफॉर्म लेकर आएंगे, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि हम अभी यहां पर कुछ ऐसे चेंज कर रहे हैं जो कि प्रैग्मेटिक हैं, यानी कि ये सही चेंज है, ये नेगेटिव तरीके से आप लोग नहीं देख सकते हैं। जस्टिस लोधा की रिकमेंडेशन के खिलाफ ये गए, दो साल लगभग हो चुके हैं जब से इनको एक्सेप्ट किया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि थोड़ी तो रियायतें यहां पर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत रिग्रेस बना दिए गए थे, ये यहां पर इंप्लीमेंट करने लायक नहीं थे, क्योंकि इतना ज्यादा रिग्रेस जो यहां पर रूल और रेगुलेशन होता है वो भी कहीं ना कहीं यहां पर नुकसान पहुंचाता है। तो ये बात बोला गया यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देखिए ये रीजनिंग दी गई यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और यहां पर तीन जज की जो बेंच थी उसके द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई कि मॉडिफिकेशन सही है और होना चाहिए कहीं ना कहीं यहां पर बीसीसीआई को एक सही लेवल पर ले जाने के लिए। हालांकि अगर बात करें यहां पर जस्टिस लोधा की, तो जस्टिस लोधा ने देखिए यहां पर जो रिकमेंडेशन दी थी उन्होंने यहां पर अलग तरीके से चीजों को देखा था, बिल्कुल उन्होंने क्लीन करने की बात की थी बीसीसीआई को, और इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगा जब यहां पर ये काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। ये भी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा बोला गया कि देखिए जो यहां पर इतनी मेहनत से काम किया गया था कहीं ना कहीं वो डायल्यूट करने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। जस्टिस लोधा के बारे में आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं, ये बताइए कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस लोधा, ठीक है, तो ये आप लोग जाकर पढ़िएगा, ठीक है। तो यहां पर इनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी, एक बोला गया था कूलिंग पीरियड क्या होता है, कूलिंग पीरियड ये होता है मान लीजिए कोई आज के डेट में आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, तो आईएएस ऑफिसर है गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है तो क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए आईएएस ऑफिसर है या फिर आप लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो यहां पर कूलिंग पीरियड रखा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे ही रिटायर होता है तो यहां पर इसको किसी भी गवर्नमेंट की पोस्ट पर न रखा जाए। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है अगर यहां पर गवर्नमेंट की पोस्ट पर रिटायर होते इसको रखा जाएगा तो इसके अंदर लालच रहेगा कि हाँ यार मैं गवर्नमेंट के फेवर में काम कर देता हूं, और इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट के फेवर में काम किया जाएगा ताकि कल को कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए रिटायरमेंट होने के बाद भी, ठीक है। तो इस तरीके की हरकतें कहीं ना कहीं की जाती है, इसीलिए कूलिंग पीरियड रखा जाता है। तो यहां पर ऐसे ही कुछ किया गया था यहां पर जस्टिस लोधा के द्वारा, पर लेकिन इन्होंने उस कूलिंग पीरियड को भी कम कर दिया है। उन्होंने बोला था 3 ईयर का ब्रेक होना चाहिए आफ्टर 3 ईयर की टर्म्स के बाद में, पर इन्होंने क्या किया उसको चेंज करके बोल दिया गया 2-3 ईयर की टर्म्स होनी चाहिए और पूरा टेन्योर यहां पर 6 ईयर का कर दिया।
तो इन्होंने जो वहां पर उन्होंने जो एक तरीके से गैप दिया था वो गैप आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन्होंने डाइल्यूट कर दिया। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब यही होता है कि ताकि यहां पर एक तरीके से जागीर ने समझने लगे, यहां पर जो भी लोग यहां पर काम कर रहे होते हैं उसको ये ना समझने लगे कि हम तो ये इसके लिए ही बने हैं भैया, हम तो यहीं रहने वाले हैं। तो इसीलिए यहां पर इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला मान लीजिए आज की डेट में कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो मान लीजिए किसी मान लीजिए वो एक अच्छे लेवल पर पढ़ाई करके गया, पीएचडी वगैरह कर ली, और पीएचडी वगैरह करने के बाद में सही लेवल की उसने एजुकेशन ले ली, और उसको फिर 3 साल के लिए बोलिए कि आप लोगों को पढ़ाना नहीं है और उसके बाद में पढ़ाने आना है, तो जो उसका एजुकेशन लेवल था वो कहीं ना कहीं डायल्यूट हो जाएगा अगर वो उस फील्ड से दूर हो जाएगा। तो ऐसी बातें बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो इनकी नॉलेज है, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं डायल्यूट हो जाएगी अगर आप लोग इनको अलाउ नहीं करेंगे एकदम। तो इसीलिए बोला कि यहां पर अलाउ करना चाहिए। नेक्स्ट बात की गई लोधा पैनल के द्वारा, जो बोला गया था कि एक स्टेट के पास में एक वोट होना चाहिए, इसको भी डायल्यूट यहां पर कर दिया गया। आज की डेट में महाराष्ट्र और गुजरात के पास में 3-3 वोट नजर आएगी। यहां पर बड़ौदा और सौराष्ट्र की यहां पर बात करें, और यहां पर दूसरी साइड में अगर बात करते हैं यहां पर मुंबई के, मुंबई और विदर्भ आप लोग देखते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, तो यहां पर अलग अलग स्टेट की भी सीट है और अलग अलग रीजन की भी यहां पर सीट है। तो इस तरीके से 6 सीट तो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी गुजरात और महाराष्ट्र के पास में ही आ गई, जबकि लोधा पैनल ने यह बोला था कि हर एक स्टेट के पास में कम से कम सीट होनी चाहिए, जहां तक आप लोग पॉसिबल कर सके रिप्रेजेंटेशन हर एक स्टेट की होनी चाहिए, पर लेकिन उसको भी डायल्यूट यहां पर कर दिया गया। और क्यों डायल्यूट किया, क्या बोला गया इसके पीछे, इसके पीछे ये बोला गया है, देखिए अगर कोई स्टेट आज की डेट में रिकमेंडेशन देता, मतलब हाँ यहां पर ये बोला गया कि देखिए आज की डेट में जो यहां पर जिस तरीके से डेवलपमेंट यहां पर क्रिकेट का हुआ है, तो जिन्होंने डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया है, सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन उनको दिया है, उनकी रिप्रेजेंटेशन यहां पर होनी ही होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह, तो बिल्कुल उस तरीके की बात बोलती मेरे हिसाब से, तो जिस तरीके से राजा रजवाड़े पहले हुआ करते थे, यार जमीन जो है हमने इकट्ठी किया पता नहीं कैसे कैसे मेहनत करके, अब उसको डायल्यूट मत कीजिए, वो सारी जमीन उन्हीं के पास में होनी चाहिए। इस तरीके से तो अंग्रेज बहुत अच्छा डेवलपमेंट करके गए थे हमारी कंट्री में, उनको यहां से जाने ही नहीं देना चाहिए था। देखिए मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये रिकमेंडेशन पढ़ के मुझे अच्छा नहीं लगा, इतनी मेहनत करके इतना जद्दोजहद करके जो काम किया गया था वो सारा यहां पर कहीं ना कहीं डायल्यूट किया गया है, ठीक है। और रिकमेंडेशन भी मतलब इस तरीके से तर्क भी ऐसे दिए जा रहे हैं जो कि आप लोग कहेंगे कि हाँ एक तरीके से ये क्या तरीका होता है कि किसी ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया तो स्टेट को एक सीट दे रहे हैं ना, ये थोड़ा ना कि कंट्रीब्यूशन अगर एक फैमिली ने तो पूरी फैमिली के वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरी फैमिली से ही बना दो, तो ये कौन सी बात होती है। तो यार ये मुझे अच्छी नहीं लगी पर्सनली, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है, जो भी आप लोगों को लगे आप लोग अपना यहां पर विचार रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइटर भी कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा बीसीसीआई का, किस तरीके से रिकमेंडेशन यहाँ पर इंप्लीमेंट की जाएगी और जो भी प्रपोज की थी उनको किस तरीके से यहाँ पर देखा जाएगा। जुडिशियल इंटरवेंशन आजा की बोला जा रहा है कि देखिए हेल्पफुल है यहाँ पर कहीं ना कहीं, आप लोग एक बात तो यहाँ पर मान सकते हैं, जो भी कितना भी डायल्यूट क्यों ना कर ले आज की डेट में ये चीजों को, जस्टिस लोधा ऐसा एक बैकग्राउंड बनाकर चले गए यहाँ पर कि जो लेवल पर वहां पर करप्शन हुआ करता था, जो लेवल पर वहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जो वहां पर पॉलिटिशियन का इंटरवेंशन था एक हाई लेवल पर, कहीं ना कहीं वो तो कम कर ही दिया गया, ठीक है ना, मतलब ना होने से कुछ होना अच्छा है, तो ये बोला गया। तो एफिशिएंसी है, जो प्रोफेशनलिज्म है इसके अंदर, जो क्रेडिबिलिटी है कहीं ना कहीं जो पहले बहुत कम हुआ करता था आज की डेट में उसका कहीं ना कहीं उसको यहां पर टैकल किया जाएगा, कितना भी क्यों ना डायल्यूट यहां पर इसको कर लिया जाए। तो ये एक पॉजिटिव नोट के साथ में आप लोग बोल सकते हैं इसको, एक अच्छा कंक्लूजन आप लोग यहां पर दे सकते, तो ये एक अच्छा था यहां पर कंक्लूजन, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। आप लोग बताइए यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि जस्टिस लोधा के द्वारा जो रिकमेंडेशन की गई थी और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डाइल्यूट किया जा रहा है, आप लोग इसको कैसे तरीके से देखते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कमेंट करना आप लोगों को, और लगभग आप लोग यहां पर इसको 150 से 200 वर्ड में लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए अभी यहां पर एक लेक्चर जल्दी ही लेकर आने वाला हूं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे यहां पर कि ऐसे कैसे लिखते हैं, जी हां एक माइंड ब्लोइंग ऐसे आप लोग कैसे लिख सकते हैं, उसके ऊपर जल्दी ही आप लोगों के लिए एक लेक्चर आने वाला है। आज शाम को तो आप लोगों का इकोनॉमिक का लेक्चर आएगा, जल्दी ही मैं उसको अनाउंस कर दूंगा कब आप लोगों का वो लेक्चर आने वाला है, इसमें डिटेल में बताऊंगा कैसे आप लोग एक अच्छा शानदार तरीके का ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर ये की जा रही है, जो बैगर्स होते हैं, जो भिखारी होते हैं, तो उनके बारे में जिक्र किया जा रहा है। अभी यहां पर एक लाभ बनाने की कोशिश की गई थी जिसके तहत ये बोला गया था कि हम लोग कुछ ऐसा इंप्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं कि जो भीख मांगते हैं उनको यहां पर कम किया जाएगा, ठीक है ना। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया है, जो बैगिंग एक्ट है उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो कि यहां पर काफी खतरनाक थी, उनको यहां पर एक तरीके से स्कूल को यहां पर हटाने की बात की गई है। क्योंकि देखिए यहां पर अगर हम लोग चले हमारे संविधान के हिसाब से फंडामेंटल राइट हमको प्रोवाइड कराए गए हैं, तो उन फंडामेंटल राइट को कोई मतलब होता है इंप्लीमेंट करने का, तो उसी के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। कॉलोनियल टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे क्रिमिनल यहां पर एक तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत यहां पर रखा जाता था, अगर ट्राइब्स को आप लोग देखेंगे, मतलब कहने का यह है इस एक्ट को बिल्कुल ऐसे ही कंपेयर किया गया जिस टाइम पर यहां पर हमारी कंट्री पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था और वो यहां पर हमारे लोगों को ट्रीट किया करते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर जो बैगिंग एक्ट है इसको कंपेयर किया गया यहां पर राइटर के द्वारा।
तो बोला क्या गया, अगर कोई यहां पर भीख मांगता है तो यहां पर सबसे पहले तो यह बोला गया कि इसको क्रिमिनल एक्टिविटी में यहां पर रखा जाएगा। किस तरीके से यहां पर इसको बोला गया, अरेस्ट किया जाएगा। यहां पर देखिए पुलिस को पावर दी गई है कि वो इसको अरेस्ट कर सके। पुलिस ऑलरेडी आप लोग देखते हैं, एक तो होते हैं सही आदमी, मतलब अगर कोई सही आदमी है तो वो सही काम करेगा, पर लेकिन कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है अपनी जेब गर्म करने के लिए भी कई बार कई सारी हरकतें की जाती हैं। इसके अलावा मजिस्ट्रेट भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस तरीके की एक्टिविटी यहां पर करेगा कि जरा सी देर में सामने वाले पर्सन को एक तरीके से उसको कई साल का यहां पर एक तरीके से जेल में भी पहुंचाया जा सकता है। यह भी यहां पर बातें बोली गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि देखिए भीख मांगना, अगर यहां पर कोई इस तरीके से भीख मांग रहा है, हालांकि अच्छी बात नहीं है, देखिए किसी भी भिखारी को आप लोग भीख मत दिया कीजिए, ठीक है। ये एक तरीके से अगर आप लोग भीख देते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं आप लोग, उसको दया नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, उसको प्रमोट कर रहे हैं आप लोग भीख देने को। अगर भीख नहीं मिलेगी तो कल को वो धंधा छोड़ के किसी और काम को करना स्टार्ट करेगा, चाहे कोई कैसा भी इंसान क्यों ना, उसको भीख आप लोग नहीं देनी है और पैसे तो बिल्कुल नहीं देने हैं। एक बार को अगर देना है ना आप लोगों, खाने का सामान कुछ दे दीजिए, कोई रोटी वगैरह दे दीजिए, बिस्किट वगैरह जो भी आप लोग देते हैं, पर लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं देना है। सबसे खतरनाक लेवल है जो हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग इंडियन जो होते हैं काफी इमोशनल होते हैं और जरा सी देर में देखकर चीजों को हम लोग पिघल जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पैसे बांटने लगते हैं। तो इस चीज से आप लोगों को बचना है, क्योंकि हम लोग ना जाने और अनजाने में हम लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये आप लोग यहां पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो यहां पर राइटर को यहां पर जो इसकी डेफिनेशन है, जो यहां पर भिखारी की जो डेफिनेशन है वो भी यहां पर इनको पसंद नहीं आ रही है, बहुत ही वेग डेफिनेशन इनके द्वारा बोला जा रहा है, और ये एक तरीके से जो हमारे सिटीजन है वो पुलिस के द्वारा हरास किए जा सकते हैं अगर ये डेफिनेशन फॉलो करके चलेंगे। तो डेफिनेशन आप लोग अभी आगे देखने को मिलेगी कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है यहां पर कि अगर कोई गाना गा के डांस करके किसी भी तरीके से किसी को लुभा के किसी भी तरीके से कोई भी चीज ऐसे बेच के यहां पर एक तरीके से क्या करता है, भीख मांगने की कोशिश करता है, तो उसको इसके अंदर रखा गया है। तो यहां पर कोई प्रॉपर डायमेंशन नहीं है, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो किसी भी तरीके से यहां पर हरास किया जा सकता है। जो हमारी कंट्री में जो लोग रहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं, उनको भी यहां पर इस तरीके से हरास किया जा सकता है। तो ये कई सारी बातें यहां पर बोली गई है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए यहां पर बात ये निकल कर आ रही है कि एक तरीके से अगर कोई गरीब आदमी है, इधर उधर घूम रहा है, कई बार मांग भी लेता है आदमी, भूख लग गई है, रोटी मांग लेता है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग एक बहुत ही गलत स्टेप यहां पर उठा रहे हैं, ठीक है। मतलब आप लोग गरीब इंसान को और ज्यादा यहां पर एक तरीके से आप लोग पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से उसकी लाइफ को और तरीके से एक टफ बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। हालांकि आप लोग देखिए जो सोच के चल रहे हैं कि हाँ एक ऐसा पैटर्न बना जाएगी भिखारी सड़कों पर न देखने को मिले, वो बातें सही हैं, पर लेकिन जो तरीका है वो गलत है। ऐसे आप लोग नहीं दे सकते कि एक तरीके से तो ब्रिटिश टाइम वाला काम हो गया कि जो काम नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा तो उंगली टेढ़ी कर लीजिए आप लोग। कुछ ऐसे ही बात बोला गया यहां पर जजमेंट में। यह यहां पर हर्ष मांदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये यहां पर निकल के आया। इसके अलावा यहां पर है यह कर्णिका स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये दो केस यहां पर निकल कर आए। इन दो केस में यही बोला गया कि देखिए आप लोग आर्टिकल 14 जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक तो इसका आनंद कर रहे हैं, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी, एक इसका आनंद कर रहे हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट का आप लोग हनन कर रहे हैं अगर आप लोग इस एक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसीलिए यहां पर बोला गया, इसीलिए यहां पर आर्गुमेंट निकल कर आया, और जजमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये गलत है, हम लोग इसको हटाएंगे और आगे आने वाले टाइम में इसको सुधारा जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये भी एक्सेप्ट किया गया। तो अब देखने को यही है कि कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं चीजों को। देखिए अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज कराना होता है, ये नहीं कि यहां पर उसको जेल में उठाकर डाल दो। जिस तरीके से एक केस नहीं बना था, जब पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की तो उसको जेल में डाल दिया, यार वो ऑलरेडी वो इतना दिमाग से बेकार आदमी हो चुका है जो सुसाइड करने जा रहा है, आप लोग क्या करें उसको जेल में डालने हैं, उसको तो आप लोगों को रिहेबिलिट सेंटर में डालना चाहिए ताकि उसको सुधारा जा सके। तो उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर बात की गई। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि ये यहां पर अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जिस तरीके से यहां पर ये स्ट्राइक डाउन किया गया, यहां पर जो भी एक्ट के अंदर ये गलत प्रोविजन थे, जो सातिर प्रोविजन बोले गए हैं, और क्रिमिनलाइज किया जा रहा था पॉवर्टी को, तो कहीं ना कहीं ये काफी एक पॉजिटिव स्टेप बोला जा रहा है। अब फोकस क्या करना चाहिए, अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबको मिलकर यहां पर काम करना चाहिए और यहां पर ये देखना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से जो बैगिंग एक्ट है उसको सही कर सकते हैं, और जो लोग यहां पर ये भीख मांग रहे हैं किस तरीके से उनको कोई काम प्रोवाइड करा जा सकता है, किस तरीके से उनको रिहैबिलिटेट करा जा सकता है। मतलब वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, कई बार तो इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है। स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो, ठीक है, ये कैसे काम कराए जाते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम चलते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला किसी को आप लोगों पैसे नहीं देने, खाना जरूर दे दीजिए अगर आप लोग देना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को भी ध्यान रखनी है और इस बात को भूलिएगा मत, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे बात बोली जा रही है। अभी आप लोगों को देखने को मिला कि आसाम में यहां पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन निकल कर आया, जिसमें लगभग 40 लोग ऐसे रह गए, यहां पर 4 मिलियन लोग यहां पर निकल कर आए जिनको यहां पर उस रजिस्टर के तहत नहीं रखा गया। तो राइटर बोल रहे हैं फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है उन 4 मिलियन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी कंट्री में आज के डेट में जो ऑलरेडी सड़कों पर घूम रहे हैं, जो ऑलरेडी इधर से उधर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घूम रहे हैं, उनको कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई भी उनकी टेरिटरी आज के डेट में नहीं है। कहने का मतलब ये, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, उस स्टेट के द्वारा इलीगल तरीके से
टॉर्चर भी किया जाता है माइग्रेंट जो लोग रहते हैं उनको, वहां पर प्रॉपर फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है और कई सारी और भी एक्टिविटी देखने को मिलती है। 2011 के सेंसस से अगर हम लोग देखें आप 139 मिलियन लोग आप लोग ऐसे नजर आएंगे हमारी कंट्री में। तो कहने का मतलब यह है कि ये ऐसा नहीं कि 4 लाख ऐसे 40 लाख ही लोग ऐसे हैं, ऑलरेडी यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं हमारी कंट्री में जो कि एक तरीके से बिल्कुल खस्ता हालत में है और स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल डोरमेंट है यानी कि निष्क्रिय है। वो इसके ऊपर कोई स्टेप उठाने के लिए तैयारी नहीं है, कोई काम करने के लिए तैयारी नहीं है क्योंकि वो चाहती है कि उनके एरिया में बाहर से लोग आए और यहां पर आकर चीप लेबर उनको मिले, चाहे वो कैसी भी एक्टिविटी क्यों ना वहां पर करते रहे, उनको रहने के लिए एरिया नहीं मिलता है, खाने के लिए ढंग से खाना नहीं मिलता है और बहुत ही दुर्दशा वाली कंडीशन में लोग रहते हैं जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हैं। तो वो सारी बातें यहां पर निकल कर आती है, बहुत ही दयनीय कंडीशन वहां पर रहती है तो उसके ऊपर कोई फोकस देकर नहीं चलता है। तो राइटर जो है यहाँ पर नेशनल सिटीजन जो रजिस्टर है उसको एक तरीके से कंपेयर करके और जो माइग्रेंट है उनको कंपेयर करके कटाक्ष कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि ये नहीं है कि यही लोग ऐसे हैं और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर एक्सप्लोइट किए जा रहे हैं अलग अलग लेवल पर, आप लोगों को इनके बारे में भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। क्रिमिनल एक्टिविटी का टैग लगा दिया जाता है और कई बार क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं, इस तरीके खस्ता हालत बन जाती है। स्मार्ट सिटी मिशन की आप लोग बात करें 2015 में आप लोगों को देखने को मिला कितना पैसा दिया गया यहाँ पर दिया गया 2039 यानी कि 2039 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बिलियन रुपए दिए गए ताकि 99 सिटीज को यहाँ पर स्मार्ट सिटी में बनाया जाए, पर लेकिन वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। अगर आप लोग चाहते हैं कि ढंग से चीजें करनी है तो आप लोगों को सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर जिस तरीके से इंटरनेशनल बाउंड्री होती है ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर यहाँ पर प्रॉपर वे में आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कहाँ से जा रहा है, ठीक है, यानी कि कोई भी किसी स्टेट की बाउंड्री से किसी स्टेट की बाउंड्री में जा रहा है और वहां पर उसके साथ में क्या कंडीशन हो रही है, वो सारी चीजें आप लोगों को चेक एंड बैलेंस यहाँ पर रखना चाहिए। सिटीज को बिल्कुल ऐसे सिटीज हो गई या फिर स्टेट हो गया इनको आप लोगों को बिल्कुल इंटरनेशनल बाउंड्री की तरीके से ट्रीट करके आप लोगों को देखना चाहिए, एक एक बात का आप लोगों को पता होना चाहिए, उसका डेटा आप लोगों के पास होना चाहिए, ये बात बोली गई है। और देखिए इंश्योर करना चाहिए इक्वलिटी बेसिक जो यहां पर डिग्निटी है या फिर जो खाने पीने का जो उनका प्रोविजन है कम से कम सिक्योरिटी, ये सारी चीजें तो आप लोग प्रोवाइड कराइए, ये सब चीजें आप लोगों के यहां पर ड्यूटी भी बनती है प्रोवाइड कराने की। तो ये बात यहां पर राइटर के द्वारा बोली जा रही है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर वीएस नाइपॉल के द्वारा। वीएस नाइपॉल यहाँ पर एक नोबेल प्राइज विनर भी हैं यहाँ पर लिटरेचर के फील्ड में 2001 में और इसके अलावा बुकर प्राइज भी इनको मिला था 1971 में। इनकी अभी डेथ हो गई है, जो पैदा हुए थे ये हुए थे यहाँ पर त्रिनाद एंड टोबैगो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर इनकी फैमिली माइग्रेट हो गई थी इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट नोवेल आप लोग इनका देख सकते हैं, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए इनकी वैसे तो यहाँ पर कई सारी किताब आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये कुछ किताबें हैं जो इनकी आप लोग याद रख सकते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये किताबें कुछ हैं जो इनकी यहाँ पर दे रखी हैं ये जरूर याद रखिए क्योंकि कोई फेमस पर्सनैलिटी मर जाती है उसकी डेथ हो जाती है फिर कोई कॉन्ट्रोवर्सियल बुक रहती है तो उसके बारे में कई बार ऐसी बातें पूछी जाती हैं। तो ये कुछ किताबें हैं जो आप लोग इनके बारे में याद रखते हैं, इनको नोबेल प्राइज जो मिला गया था उसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं केरला में बाढ़ जो है काफी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है, इसलिए यहाँ पर रिव्यू किया जा रहा है राजनाथ सिंह जी के द्वारा, 10 करोड़ यहाँ पर इमीडिएट रिलीफ यहाँ पर अनाउंस किया गया है, तो देखते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर चीजों को सुधारा जा सकता है। सॉरी यार ये 10 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ है, पता नहीं क्या करता हूं जब कॉपी करके पेस्ट किया जाता है इसको पीपीटी में कई बार ये नंबरिंग में गलती करता है और ये आज की बात नहीं है पहले से ही कर रहा है, क्या इसका कोई सोल्यूशन आप लोगों को पता है? जैसे मान लीजिए मैं न्यूज़पेपर में से चीजें कॉपी करता हूँ पीपीटी बनाता हूँ उस टाइम पर, तो जैसे नंबर सिस्टम वहां से कॉपी करके लाया जाता है जिससे क्या हुआ अभी 100 था यहाँ पर पूरा सेंटेंस मैंने कॉपी किया यहाँ पर इसको डाला तो क्या किया यहाँ पर एक 0 गायब कर दी इसने, पता नहीं क्या कंडीशन है मेरी समझ में नहीं आता और बहुत बार होता है ये, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा यहाँ पर ये 100 है ना कि 10 है, तो 100 करोड़ रुपए का इमीडिएट रिलीफ देने की बात की गई है केरला गवर्नमेंट को। ओके, बताइएगा अगर आप लोगों को कुछ सोल्यूशन इसका पता है। तो नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर खालिस्तान रैली के बारे में, तो ये अनाउंस की गई है खालिस्तान एक नया खाली मतलब आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में प्रो खालिस्तान कई बार बातें चलती हैं कि हम लोगों को नया एक स्टेट बनाना है प्रॉपर जिस तरीके से आप लोग ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात करते हैं, तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने भी यहाँ पर बोला है कि हम भी यहाँ पर 550वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे सिख से रिलेटेड है यहाँ पर गुरु नानक जी की, तो ये भी काफी अच्छी बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो सेपरेशन की फंडा है मतलब एक तरीके से सेपरेट होने वाला फंडा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे लंदन में हो गया या फिर कनाडा में आप लोगों को देखने को मिलती हैं ऐसी हरकतें कई बार की जाती हैं। नेक्स्ट जो बात किया जा रहा है इसरो के द्वारा, ये काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, टीवी चैनल बनाने की बात की जा रही है विक्रम साराभाई की, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला 12 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये स्टेप उठाया जा रहा है ताकि यहाँ पर हमारी जो जनता है उनको एक तरीके से हम लोग गाइड कर सके, उनको हम तरीके से चीजें बता सके, तो काफी अच्छा स्टेप है, एक तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और हम लोग ज्यादा जान पाएंगे अपनी कंट्री की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किस तरीके से काम कर रही है, एक साइंटिफिक टेंपर हमारा डेवलप होगा यहाँ पर, तो काफी अच्छा स्टेप आप लोग इसको बोल सकते हैं।
नेक्स्ट जो बात निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया है, यहां पर देखिए आज की डेट में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कि जेल में हैं और उनके साथ में उनके बच्चों को भी जेल में रहना पड़ता है, क्योंकि जो औरतों के जो बच्चे हैं नए, जो अभी दूध पीते हैं तो उस लेवल पर जो बच्चे हैं अभी, तो वो भी यहां पर उनके साथ में जेल में रहते हैं। तो उसी को रिव्यू करने के लिए यहां पर बोला गया है कि एक कमेटी सेटअप की जाएगी, कितने बच्चे यहां पर इस तरीके से महिलाओं के साथ में जेल में रह रहे हैं, तो इसका एनालिसिस किया जाएगा। आप देखिए काफी खतरनाक है, खासकर बच्चे की परवरिश पर आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात की जा रही है, आप लोगों को देखने को मिलेगा INS तरानी, जो पूरे ग्लोब का चक्कर लगाकर आई थी, ये 6 जाबाज महिलाएं, तो उनको यहां पर एक तरी उनके बारे में यहां पर बताया जा रहा है, तो उनको यहां पर फैसिलिटेट किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये 6 महिलाएं आप लोग यहां पर देखते हैं, इंडियन नेवी की ये वुमेन थी, जाबाज महिलाएं, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आज आप लोग ये बताइएगा कि किस डायरेक्शन में इन्होंने चक्कर लगाया था, चक्कर इन्होंने ऐसे लगाया था या फिर ऐसे लगाया था ग्लोब का। ठीक है, ये बताइएगा आप लोग, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कहां कहां से होकर ये गुजरी थी, कैसी कैसी कंडीशन बनी थी, वो कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, यहां पर एक होता है CSR, ये बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो किस किस एरिया में कितना ज्यादा फंड इकट्ठा हुआ, यहां पर कितना कितना परसेंट यहां पर देखने को मिला। सबसे ज्यादा यहां पर एजुकेशन और डिफरेंटली एबल्ड सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिला 30, यहां पर कितना यहां पर 33। ठीक है ना, इसके अलावा यहां पर आप लोग हेल्थ, हंगर और इन सब चीजों, पॉवर्टी में आप लोगों को देखने को मिलेगा 28 और रूरल डेवलपमेंट में ये है 10, और इसके अलावा यहां पर अदर सेक्टर जो हो गए यहां पर आर्म फोर्स रिलेटेड ये है 9। तो ऊपर के 4 आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे ज्यादा पैसा कहां पर दिया गया, तो ऊपर के 4 कम से कम आप लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो बात निकल कर आ रही है, ये भी काफी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं संगीन एक सिचुएशन बनी हुई है सोसाइटी में। पंजाब में जो है महिलाएं भी बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट हो चुकी हैं, पर लेकिन देखिए महिलाएं जो है रिहैब सेंटर तक नहीं जा पाती हैं, क्यों? क्योंकि एक स्टिग्मा लगा हुआ है कि यार वुमेन भी ये काम कर सकती है। मान लीजिए गलती से उस चक्कर में पड़ गई है और काम कर लिया गया है, तो लगभग ये अब उसको कैसे वहां तक पहुंचाया जाए, तो ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि ऐसे स्टिग्मा कम से कम सोसाइटी में नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, यहां पर ये है अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको 2016 में यहां पर ऐड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, जो मैंने आप लोगों को बात बताई थी। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट आप लोगों को देखने को मिला हमारी कंट्री में एक नया और ऐड किया गया था, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां पर, वेस्टर्न घाट में। ठीक है ना, इसके अलावा आप लोगों से पूछा गया था यहां पर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो मिनिस्टर कौन है, हर्षवर्धन जी। नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन थे, इनके आंसर आप लोग देखते हैं, ये पहले का सी है और दूसरे का आप लोगों के सामने बी आंसर है, और आज के ही है आप लोगों के क्वेश्चन। ठीक है, तो इनका भी आप लोग आंसर दीजिएगा, आप लोगों को इनका आंसर देना है अच्छे से, और देखिए सबको पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिसिपेट ना करे। बाकी जो वीडियो मैंने बनाई थी CFF के बारे में, इसका लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को यहां पर शाम को जो वीडियो मिलने वाली है उसको आप लोग जरूर देखिएगा, शाम को 5 बजे तो आप लोगों को मिलेगी, जो आप लोगों की क्वेश्चन की वीडियो होती है, और शाम को 7:30 बजे करीब या फिर 8 हो सकता है वहां पर आप लोगों को मिलेगी इकोनॉमिक्स वाली वीडियो, छोड़ूंगा नहीं, जो मैंने आप लोगों को बोल रखा है वो मैं कंप्लीट करूंगा। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, यहां पर 4,500 लाइक का टारगेट रखा था, आप लोगों ने पूरा नहीं किया, कम से कम लाइक कर दिया कीजिए यार, प्रोत्साहन मिलता है इससे। ठीक है, इससे क्या होता है वीडियो और भी ज्यादा रिकमेंडेशन में आती है लोगों, और ज्यादा तक लोगों तक पहुंचेगी, और शेयर कर दिया कीजिए फेसबुक पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचाए। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथिन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।